नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल हरफन मौला यात्री पर। और इस समय मैं हूं दोस्तों देहरादून में, और देहरादून के खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहा हूं। और जिस टूरिस्ट प्लेस पर आया हूं दोस्तों इस समय मैं, वो है दोस्तों सहस्त्रधारा। जी हाँ दोस्तों, सहस्त्र वाटरफॉल। इस वाटरफॉल को मैं बिल्कुल और अभी आगे भी चलूँगा, बिल्कुल पास से दिखाऊंगा। और बाकी चारों तरफ की खूबसूरत पहाड़ियां देखें दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है ये, आप देख सकते हैं। और इसमें लोग नहाने का भी कार्य कर रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सहस्त्रधारा। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं उस पुल पर से भी इस खूबसूरत से पर्यटक स्थल को दिखाऊँगा। बाकी इस साइड से भी एक खूबसूरत सा वाटरफॉल गिर रहा है, बहुत ही प्यारा सीन है दोस्तों। देहरादून में इस समय मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ सहस्त्रधारा को, सहस्त्रधारा के वाटरफॉल को दिखा रहा हूँ दोस्तों। और इस वाटरफॉल को पास से भी दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, खूबसूरत देहरादून आपकी आंखों के सामने एक्सप्लोर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने ऋषिकेश और हरिद्वार के टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर किया है, और इस समय मैं देहरादून में हूँ और देहरादून के खूबसूरत पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा को दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देखें, बहुत ही तीव्र गति से और तेज गर्जना के साथ पानी बह रहा है, आप देख सकते हैं। बाकी एक छोटा सा झरना, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी वाटरफॉल दोस्तों यहां से होता हुआ सहस्त्रधारा की मुख्य धाराओं में जाकर के शामिल हो जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो बाकी चलिए, अब हम आपको बिल्कुल सहस्त्रधारा वाटरफॉल के पास लेकर के चलते हैं। काफ़ी खूबसूरत मंज़र है दोस्तों, खूबसूरत नज़ारा है सहस्त्रधारा वाटरफॉल का। और इससे पहले मैं रॉबर्स केव गुचुप्पी को एक्सप्लोर करके आया हूं, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है देहरादून का। काफ़ी तेज धाराओं के साथ बह रही है दोस्तों सहस्त्रधारा की, वाटरफॉल की धाराएं आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, और ऊपर आप देख सकते हैं टेंपल है, मंदिर है, और वहाँ पे जाने के लिए आपको रोप वे, उड़न खटोला भी उपलब्ध है। आप वहाँ पे जा कर के उड़न खटोला या रोप वे को भी इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल पहाड़ियों के टॉप तक जाएंगे और वहाँ से खूबसूरत पहाड़ियों का आनंद लेंगे दोस्तों। फ़िलहाल मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला, मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ सहस्त्रधारा दिखाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने माँ मनसा देवी और माँ चंडी देवी टेम्पल को उड़न खटोला या फिर रोपवे की मदद से जा कर के दिखाया है। बाकी एक खूबसूरत मंज़र आप देखें सहस्त्रधारा का, ये है सहस्त्रधारा वाटरफॉल जो कि देहरादून में है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। बाकी दोस्तों, जैसे ही मैं आगे आया तो ये देख सकते हैं यहाँ पे भी एक खूबसूरत नज़ारा, और यहाँ पे भी लोग बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं दोस्तों, और एक छोटा सा प्यारा सा एक यहाँ पे भी झरना है जो फाइनली जा कर के सहस्त्रधारा में मिल जा रहा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल पैसा वसूल नज़ारा है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत मंज़र है दोस्तों इस समय मैं दिखा रहा हूं, जो आपको आपकी आंखें तरस गई होंगी दोस्तों ऋषिकेश और हरिद्वार में वाटरफॉल देखने के लिए। तो इसीलिए मैं देहरादून में चला आया दोस्तों, और खूबसूरत वाटरफॉल का मंज़र आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें। और फाइनली ये वाटरफॉल भी इसी सहस्त्र वाटरफॉल में जाकर के शामिल हो जा रहे हैं, आप देख सकते हैं।
तो कुछ दूर और आगे चलता हूँ दोस्तों, ये देखें बहुत ही दुर्लभ नज़ारा है दोस्तों। बाकी यहाँ से खूबसूरत पहाड़ियों को भी देखें आप। इस वक्त बोलना ठीक नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि बहाव की जो आवाज़ें हैं, तेज गर्जना की आवाज़ें हैं दोस्तों, वह मेरी आवाज़ को बिल्कुल सप्रेस कर दे रही हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और दुर्लभ नज़ारा दोस्तों। और यहाँ से इन खूबसूरत पहाड़ियों को देखें, सहस्त्र वाटरफॉल, सहस्त्र धारा भी जिसे कहते हैं दोस्तों, देहरादून का बहुत ही मोस्ट पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल दोस्तों। ये झरना देख रहे हैं, ये अपने आप में एक विकराल नदी है। जी हाँ दोस्तों, इतना पानी है इसमें। अभी चलता हूँ थोड़ा और आगे, और यहाँ से पत्थरों से होते हुए मैं जा रहा हूँ आगे दोस्तों। अभी इस पत्थर पर से मैं दिखाता हूँ आपको चारों तरफ का नज़ारा दोस्तों, काफ़ी प्यारा व्यू है दोस्तों। ये देख सकते हैं चारों तरफ दिखा रहा हूँ आपको, बहुत ही ज़बरदस्त ब्यूटी है देहरादून के सहस्त्र धारा की। ये वाटरफॉल है दोस्तों, लेकिन इसमें जो पानी की क्वांटिटी है ना, ये इतने ज़्यादा है दोस्तों कि आप खुद देखें दोस्तों, यह एक विकराल नदी का रूप ले चुकी है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं एक रौद्र रूप ले चुकी है दोस्तों यह सहस्त्र धारा की जो झरना है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। और अभी मैं दोस्तों इस पत्थर पे चल करके आया हूँ, खड़ा हूँ, और थोड़ा और अभी आगे चलते हैं, और भी आगे जाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, बिल्कुल वहाँ तक जाएँगे। चलिए चलते हैं आगे। बाकी टूटी फूटी सीढ़ियां हैं जिसकी मदद से हम जा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों मेरा नहाने का बिल्कुल मन कर रहा है, लेकिन मैं टाइम लिमिट की वजह से बंधा हुआ हूँ। और खूबसूरत मंज़र है दोस्तों, अभी तक का सबसे बेस्ट लोकेशन है दोस्तों, सबसे बेस्ट पर्यटक स्थल है जी हाँ दोस्तों उत्तराखंड का। अभी तक जहाँ भी मैंने शूट किया, सबसे बेस्ट अभी तक मुझे यही लोकेशन लगा, यही पर्यटक स्थल लगा। काफ़ी खूबसूरत और दुर्लभ नज़ारा है दोस्तों। ये देख सकते हैं, पूरा एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे आके। तो अभी इसमें मैं अंदर प्रवेश करूँगा दोस्तों, और यहाँ से होते हुए आगे तक जाऊँगा। तो दोस्तों अभी मैं इसमें अंदर घुस चुका हूँ, और आपको लेकर के चल रहा हूँ उस साइड। बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों सहस्त्र धारा। अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और अभी कुछ देर पहले मैं उधर था दोस्तों,
बिल्कुल वहाँ से शूट करता हुआ मैं, और खूबसूरत पहाड़ियाँ देखें, ऊपर जो मंदिर है वहाँ पे जाने के लिए रोप वे आप देख भी सकते हैं। यहाँ से दिखाता हूँ आपको मैं, वीडियो साफ नहीं हो पाती है जब जूम करता हूँ, तो फिर भी वो रोप वे देख सकते हैं आप। ऑलरेडी मैंने रोप वे का सीन आपको दिखाया है, और जो मेन चीज़ है सहस्त्रधारा वो ऊपर नहीं है, इधर है दोस्तों। तो मेन है मेरा सहस्त्रधारा को दिखाना, सहस्त्रधारा के झरने को दिखाना, सहस्त्रधारा के वाटरफॉल को दिखाना और इसकी खूबसूरती को दिखाना। काफ़ी खूबसूरत दृश्य दोस्तों, जितना पास जा रहा हूँ सहस्त्रधारा वाटरफॉल के पास उतना ही खूबसूरत दृश्य कैमरे में कैच हो रहा है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ से खूबसूरत दृश्य देखें, यहाँ पे थोड़ा सा जो पानी की बहाव की जो आवाज़ें हैं वो थोड़ी सी कम है दोस्तों, और मैं थोड़ी सी ऊंचाई पे आ चुका हूँ और यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको। और दोस्तों इसमें काफ़ी दूर तक, अंदर तक आप जा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। अगर आपके पास वक्त है तो आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम व्यतीत कर सकते हैं दोस्तों, पूरा दिन आपका चला जाएगा अगर इसमें आप इंजॉय करेंगे तो। जी हाँ दोस्तों, खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत दृश्य दोनों तरफ की पहाड़ियों का, बहुत ही ज़बरदस्त सीन है दोस्तों सहस्त्रधारा वाटरफॉल की। इस समय देहरादून में हूँ, इससे पहले मैं ऋषिकेश और हरिद्वार को एक्सप्लोर करके आ चुका हूँ, और सहस्त्रधारा वाटरफॉल को दिखा रहा हूँ इस समय। बाकी बहुत ज़्यादा आगे तक जाने की फैसिलिटी मुझे नहीं लगता अवेलेबल है, और अगर बहाव कम होता तो ज़रूर होती, लेकिन इस वक्त जो है पानी का बहाव, पानी की मात्रा दोनों ज़्यादा है बरसात की वजह से। जी हाँ दोस्तों, फिर भी थोड़ा और आगे चलता हूँ। यहाँ से एक बार आप देखें खूबसूरत नज़ारा दोस्तों, बिल्कुल जैसे जैसे मैं पास जा रहा हूँ दोस्तों सहस्त्रधारा के, उतना ही खूबसूरत मंजर होता चला जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। बाकी चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। बाकी दोस्तों काफ़ी डिफ़िकल्ट रास्ता है, आप देख सकते हैं, इन पत्थरों से चढ़ता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक बार यहाँ से सीन देखें और वहाँ तक जाऊँगा, और उसके आगे नहीं जा सकते हैं, तो आपका भाई बिल्कुल कामयाब हुआ दोस्तों आपको वहाँ तक लाने में, जहाँ से लगभग ये वाटरफॉल, ये सहस्त्रधारा गिर रही है। जी हाँ दोस्तों, तो अब देर नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, सीधे वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे जहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो यहाँ से होते हुए चलते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत मंज़र है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा प्यारा मंज़र है, और चारों तरफ की पहाड़ियों को भी दिखा रहा हूँ आपको, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में एक खूबसूरत सा वाटरफॉल। ये दोस्तों वाटरफॉल कहना इसके लिए नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही भयानक नदी का रूप लिए हुए है। इस समय पानी काफ़ी ठंडा है, अभी इसमें प्रवेश करता हूँ, ये देख सकते हैं, और यहाँ पे भी काफ़ी गहरा है।
दोस्तों कुदरत का गजब का करिश्मा है, आप देख सकते हैं कुदरत का बहुत ही बेजोड़ करिश्मा आपकी आंखों के सामने है दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, बाकी मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ दोस्तों जहाँ से मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था, आप देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा और पीक पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। बस अफसोस इस बात का रह जा रहा है कि मैं वीडियो बनाने में ही सारा टाइम व्यतीत कर दे रहा हूँ, मैं खुद एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, नहीं तो मैं इसमें नहाता। ये देखें अब दोस्तों इसके आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसके आगे रास्ते बिल्कुल भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ दिखा रहा हूँ, उधर से भी रास्ता नहीं है और न इधर से रास्ता है। तो सहस्त्र धारा के बिल्कुल पास आ चुका हूँ, जहाँ तक संभव था वहाँ तक आ चुका हूँ दोस्तों। और यहाँ से मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सीन है दोस्तों, और चारों तरफ की पहाड़ियों को मैं बार बार दिखा रहा हूँ। और यहाँ से एक बार एक खूबसूरत पहाड़ों का मंज़र देखें, बहुत ही दुर्लभ नज़ारा दोस्तों। और ये खूबसूरत सा सहस्त्र धारा का झरना, सहस्त्र धारा का वाटरफॉल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आकर्षक है। और देहरादून का ये दोस्तों टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, बाकी ये देख सकते हैं किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं इसमें, खूबसूरत पहाड़ों के नीचे एक खूबसूरत सा सहस्त्र धारा का वाटरफॉल अपने आप में बहुत ही बेजोड़ कॉम्बिनेशन है दोस्तों। अब इस वीडियो को और ज़्यादा लंबी नहीं करना है मुझे दोस्तों, और मैं लगभग अभी इस पर चढ़ता हूँ। ये देखें यहाँ से एक बार आप देखें, और यहीं पे मैं वीडियो को करूँगा दोस्तों समाप्त। और अभी धूप हो चुकी है, वो देखें खूबसूरत पहाड़ों को देखें, यहाँ से उनके बिल्कुल टॉप हिल पे देखें दोस्तों, एकदम धूप हो चुकी है और पहाड़ का यहाँ से बिल्कुल क्लियर व्यू आ रहा है, आप देख सकते हैं। और सहस्त्र धारा में रोप वे की भी फैसिलिटी है दोस्तों, आप रोप वे से पहाड़ों के बिल्कुल टॉप हिल पे जा सकते हो, वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे दर्शन वगैरह कर सकते हैं। बाकी ये सहस्त्र धारा की वाटरफॉल को मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें बाकी उसके आगे नहीं जा सकते हैं दोस्तों। तो जितना था मैंने दिखाया सहस्त्र धारा वाटरफॉल को दोस्तों, सहस्त्र धारा के झरने को, अब इस वीडियो को मैं दोस्तों यहीं पे करूंगा समाप्त, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में कोई भी चीज़ फालतू नहीं है, आप एक बार वीडियो को स्टार्ट करेंगे देखना ना तो लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एक कंप्लीट एक्सप्लोर है दोस्तों देहरादून के सहस्त्र धारा वाटरफॉल का, जी हाँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को मैं यहीं पे करूंगा समाप्त, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हर हर महादेव लिखिएगा दोस्तों, जय माँ गंगे भी लिखिएगा, क्योंकि फाइनली ये जो सहस्त्र धारा की लहरें हैं, सहस्त्र धारा का जल है, माँ गंगा में ज़रूर सम्मिलित हो जाता होगा, जी हाँ दोस्तों। तो इसलिए जय माँ गंगे दोस्तों, और इस वीडियो को अब यहीं पे करता हूँ समाप्त, अपने दोस्त को जीत दीजिए इजाज़त, क्योंकि अगला टूरिस्ट प्लेस मेरा इंतज़ार कर रहा है। जय हिंद जय भारत।